दोस्तों, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, हर जगहों पर ही भूत प्रेत से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों को तो अलग अलग देशों के सरकारों ने ही बंद करवा रखा है। वैसे भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग होते भी हैं और नहीं भी, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो भूत प्रेतों के होने की उतनी ही चांसेस हैं जितनी कि एलियंस के होने की। हालांकि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जगह व्हाइट हाउस भी भूतों से सुरक्षित नहीं है, तो ये सुनकर आप एक पल के लिए तो जरूर ही चौंक जाएंगे। वैसे दोस्तों, इस बात को हजम करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भूत अक्सर ही व्हाइट हाउस में देखा जाता है। हालांकि अगर ये बात एक दो लोगों ने कही होती तो इसे झुठलाया जा सकता था, लेकिन जब बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं तो यह बात सोचने वाली बनती है। यहाँ तक कि अमेरिका में ठहरने वाले बहुत सारे देशों के पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि अमेरिका के आने वाले बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद व्हाइट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया था कि उन्हें अब्राहम लिंकन के कमरे में किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। साथ ही नीदरलैंड की महारानी विल्हेल्मिना जब एक बार अमेरिका के दौरे पर आई थी, तब उन्होंने भी बताया कि जब वह व्हाइट हाउस में रुकी हुई थी तब रात में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अब्राहम लिंकन खड़े थे। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का भी कहना है कि जब वह व्हाइट हाउस के गेस्ट रूम में से नहा के बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने भी अब्राहम लिंकन को चिमनी के पास बैठे हुए देखा था। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल ने यह भी कहा कि लिंकन चिमनी के पास बैठ के मुस्कुराते हुए हाथ सेक रहे थे और फिर थोड़ी ही देर बाद वह गायब हो गए। इसके अलावा फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एलेनोर रूजवेल्ट का भी कहना है कि ऑफिस में काम करते वक्त उन्हें कई बार लिंकन की मौजूदगी का एहसास होता रहता था। खुद अब्राहम लिंकन ने ही इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई को देखा था जो कि उनके देखते ही गायब हो गया था। साथ ही साथ कई अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर भी इस तरह की खबरों को दिखलाया गया है। हालांकि वैसे अखबारों और न्यूज़ चैनल्स की बातों को तो हम झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ नामी गिरामी हस्तियों की बातों को झूठा ठहराना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल फैक्टेक वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।